हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? तो स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो गाइस, आज है पूर्णमासी, तो आज होगी कथा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले तो मैं अपनी साफ़ सफाई कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। क्या क्या बनेगा खाने में? ये थाली में कीड़े वगैरह निकाल ले, सब्जी निकाल ले। तो गाइस, नहाने के बाद मैं किचन में आ गई थी, काफी देर हो गई मुझे। और ये येलो कलर की साड़ी पहनी है मैंने, पूजा पाठ में साड़ी अच्छी लगती है। और इधर मैं बना रही हूँ खाना, और इधर बन रही है अभी भिंडी की सब्जी। और ये प्रसाद रखा है, अभी ये गर्म है, ठंडा हो जाएगा फिर मैं इसमें बूरा मिलाऊंगी। और इधर है रायते की तैयारी की, यहाँ मैंने बूंदी को पानी में भिगो के रख दिया है। और ये इधर आलू उबले हुए रखे हैं, छील लिए मैंने, इनकी सब्जी बनाऊंगी मैं। तो चलिए मैं कर लेती हूँ काम। गाइस, यहाँ बनाने लगी हूँ मैं आलू टमाटर की सब्जी। ये टमाटर को पीस के भून रही हूँ मैं। सब्जी बना के मुझे मंदिर जाना है, मंदिर से आके मैं बाकी के काम करूँगी। तो गाइस, यहाँ पूजा की तैयारी हो चुकी है, ये चौकी लग चुकी है, खाना जी भी बैठ चुके हैं चौकी पर, ये थाली लग चुकी है पूजा की, इधर फ्रूट्स रखे हुए हैं, फल में फूल हैं, इधर प्रसाद भी रेडी हो गया है, बस पंडित जी की देर है, वो आ जाएं फिर कथा शुरू होगी। मेरा खाना भी बनकर तैयार हो गया है लगभग। ये आलू टमाटर की सब्जी बन गई है, ये बिल्कुल भंडारे वाली सब्जी बनाई है मैंने, जैसे भंडारे में मिलती है। और इधर खीर भी कंप्लीट हो चुकी है, ये देखिए गाइस, ये भिंडी की सब्जी बनकर तैयार है। और ये है मूली का रायता, जिसमें बस मसाले वगैरह डालना रह गया है, बस मैं आटा लगा लेती हूँ। कैसे चलो ना आप, वो मैं सब देख लूंगा, आप करो सिर्फ। विष्णवे त्वाग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसवो देवता उमासतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम विघ्नेश्वराय वरदाय सभव्याय लंबोदराय सकलाय जग वृंदावन बिहारी लाल की जय। यदि कथा प्रारंभ एकदा नियम सारणे ऋषये, उसमें गुड़ और शक्कर मिलाकर ठाकुर जी के निमित्त अर्पण करें, तदुपरांत धागे संपन्न हो जाने के पश्चात सभी को यह प्रसाद वितरित करें, बांटे, स्वयं भी प्रसाद का रक्षण करें। उसके बाद ब्राह्मण को प्रसन्न मुद्रा से दक्षिणा दे करके विदा करें। और रात्रि में भगवान सत्यनारायण का इन्हें सप्तदेवता के नाम से जाना जाता है।
गाइस कथा हो चुकी है और पंडित जी को भी खाना, पंडित जी ने भी खाना खा लिया है और वो जा चुके हैं आशीर्वाद देकर अपना। और अब मैं बैठी हूँ यहाँ पर, वेट कर रही हूँ दीदियों का। दीदी आएंगी तो मैं दिखाऊंगी आपको। अब मैं बैठी हूँ, बहुत तेज़ धूप हो रही है गाइस, इतनी तेज़ गर्मी हो रही है कि बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप घर से बाहर निकलें तो केयरफुली निकलें, पानी पीते रहें बहुत सारा। तो गाइस ये दीदी आई है हमारी, ये खा रही है खाना। कैसी धूप हो रही है बाहर? बहुत तेज गर्मी है, पर हम आ चुके हैं, क्या करें? क्या हुआ कुछ बोलो, भैया को नहीं लाई? क्यों क्यों? अच्छा, आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? अच्छा अच्छा मन लग रहा है?